एक जंगल में एक शेर रहता था। वो प्रतिदिन कई जानवर को मारा करता था। जानवर ने एक बैठक बुलाया। यह निर्णय हुआ कि प्रत्येक दिन एक जानवर स्वयं शेर के पास भोजन के लिए आ जाएंगे। इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वो शेर के पास बड़ी देर से पहुंचा। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश को बहुत बुरा भला कहा। इस पर खरगोश ने कहा कि रास्ते में उसे एक दूसरा शेर मिल गया था जो अपने को जंगल का राजा कहता है। इसी पर शेर को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में खरगोश को बोला कि तुरंत उसे उस शेर के पास ले जाए। खरगोश उसको एक कुएं के पास ले गया। शेर क्रोध में कुएं की दीवार पर चढ़ गया और कुएं में झांककर देखा तो उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। शेर को लगा सचमुच दूसरा शेर है। पानी में देखते हुए उसने तेज से दहाड़ लगाई। उसकी ही आवाज कुएं से टकराने के बाद वापस आई जो उसकी दहाड़ जैसी थी। शेर को लगा दूसरा शेर उसे देखकर दहाड़ रहा है। शेर क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने बिना कुछ सोच समझे कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कूदने के बाद वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और उसी कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए क्रोध में कोई काम ना करें, क्योंकि क्रोध में अच्छे और बुरे का ज्ञान नष्ट हो जाता है।